तारीख 11 फरवरी, जगह बरेली जेल। ये वही तारीख है जिस दिन उमेश पाल की हत्या की पूरी साजिश को आखिरी रूप दिया गया था और हत्या को अंजाम दिया गया 24 फरवरी को। बरेली जेल के अंदर 11 फरवरी को ढाई घंटे तक अशरफ की मीटिंग चली थी। जेल प्रशासन से जिस मुलाकाती के नाम पर आवेदन दिया गया था वो नाम था मोहम्मद अजहर। अजहर के नाम आवेदन था लेकिन आधार कार्ड असद का था और उस मीटिंग में असद भी मौजूद था। बताया जाता है कि साबरमती जेल से अतीक अहमद के संकेत मिलने के बाद बाकी की साजिश अशरफ ने रची थी। 11 फरवरी वाली वो मीटिंग बेहद अहम थी क्योंकि ढाई घंटे तक अशरफ पूरी प्लानिंग करता रहा। अब आप ये भी जान लीजिए कि अशरफ के साथ उस मीटिंग में कौन कौन शामिल था। इस मुलाकात में असद, मोहम्मद गुलाम, गुड्डू और विजय उर्फ उस्मान चौधरी भी शामिल था। बरेली जेल में दोपहर में 1:22 पर 8 लोग अशरफ से मुलाकात करने पहुंचे थे। मीटिंग के बाद सभी दोपहर 3:14 पर जेल से बाहर निकले थे। अब आपको बताते हैं बरेली जेल में अशरफ से मिलने वाले एक एक चेहरे के राज। किरदार नंबर 1, असद, कोडवर्ड राधे। अतीक के बेटे असद की भूमिका बेहद अहम है जो अभी फरार है। उमेश पाल पर गोलियां चलाने वालों में से एक है। असद ने ही बाकी शूटरों को आईफोन के फेस टाइम से बात करना सिखाया था। असद ने ही फर्जी नाम पते पर आईफोन खरीदे थे और सिम कार्ड के इंतजाम किए थे। किरदार नंबर 2, मोहम्मद गुलाम, कोडवर्ड उल्लू। शार्प शूटर मोहम्मद गुलाम असद का बेहद करीबी है, इसी ने अपने एक गुर्गे विजय चौधरी उस्मान चौधरी को शामिल कराया था। किरदार नंबर 3, गुड्डू, कोडवर्ड मुर्गी। गुड्डू वही चेहरा है जो 24 फरवरी को कवर फायर देने के लिए बमबाजी कर रहा था। गुड्डू ने ही अतीक की बहन से पैसे लिए थे। 5 मार्च को वो अतीक अहमद के बहनोई गिरफ्तार अखलाक के घर गया था। किरदार नंबर 4, विजय चौधरी, कोडवर्ड उस्मान। विजय चौधरी शूटर है। उमेश पाल की हत्या की साजिश के तहत उसे उस्मान कोड दिया गया था ताकि पकड़ में ना आ सके। ये वो किरदार है जो 11 फरवरी को बरेली जेल में अशरफ की मीटिंग में पहुंचा था। खुलासा ये भी हुआ है कि जेल में अशरफ की ये पहली मुलाकात नहीं थी। इससे पहले भी जेल के अंदर अतीक का भाई बेधड़क अपनी बैठकें करता रहा। 17 महीनों में वो 23 बार अलग अलग संदिग्धों से मिला और पुलिस को उसके फर्जीवाड़े की भनक तक नहीं लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।